Welcome back to Divya Sharma Pharmacy channel. Today we will be discussing about the biosynthesis of pyrimidines. So in the last lecture we had discussed about the biosynthesis of purines, right? So जो उसका लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो एक बार आप पहले अगर वो वीडियो देख लें तो आपको बेसिक जो है कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाएगा. एंड उसके बाद अगर आप पिरामिडिन के सिंथेसिस देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी, राइट? सो आज हम बात करने वाले हैं पिरामिडिन न्यूक्लियोटाइड्स की बायोसिंथेसिस के बारे में. वो किस तरह से होती हैं एनिमल्स में या ऑर्गेनिजम्स में, राइट? सो लाइक वी ऑलरेडी नो दैट वी हैव टू टाइप ऑफ बेसिस, राइट? वन इज़ प्यूरिन एंड सेकेंड इज पिरामिडिन्स. इन प्यूरिन्स वी हैव एडेनिन एंड ग्वानिन एंड इन पिरामिडिन्स वी हैव कट मीन साइटोसिन, यूरासिल एंड थायमिन, राइट? सो लाइक यू सी प्यूरिन्स के अंदर क्या है, दो रिंग्स अटैच हैं आपकी. एक सिक्स मेम्बर्ड रिंग है और एक फाइव मेम्बर्ड रिंग है. सो ये प्यूरिन्स की एक पहचान है, एक आइडेंटिफिकेशन है कि इसमें दो रिंग्स अटैच होंगी. बट जब अगर हम बात करें पिरामिडिन्स की तो एक सिंगल रिंग जो है वो होती है आपकी प्रेजेंट. सो प्यूरिन और पिरामिडिन्स में ये बेसिक डिफरेंस है. हमें पिरामिडिन्स की बायोसिंथेसिस आज के लेक्चर में पढ़नी है, राइट? सो जैसा कि हमने प्यूरिन की बायोसिंथेसिस में किया था कि हमारे पास दो पाथवेज इन्वॉल्व हैं. वन इज़ योर डी नोवो पाथवे एंड सेकेंड वन इज़ योर सैल्वेज पाथवे. सो अकॉर्डिंग टू डी नोवो पाथवे, उसका ये मानना था कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, जितने भी स्टार्टिंग मटेरियल हैं, वो जो हैं हमारी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज होते हैं एंड उनकी हेल्प से आगे फर्दर जो है वो प्रॉपर साइकिल होती है. मींस बायोसिंथेसिस होती है, स्टेप ऑफ रिएक्शंस होती हैं लिविंग बींग्स के अंदर एंड देन फिर आपके न्यूक्लियोटाइड्स एंड देन उन न्यूक्लियोटाइड्स से आपका न्यूक्लिक मटेरियल प्रिपेयर होता है, डीएनए एंड आरएनए, राइट? बट सैल्वेज पाथवे के अकॉर्डिंग जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये आपके डीएनए एंड आरएनए की ब्रेकडाउन के बाद एज सच आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और फिर उसके बाद ये जो है मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड फर्दर बनाते हैं. देन फर्दर आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए प्रिपेयर होता है, राइट? तो ये दो पाथवेज हैं, कॉन्सेप्ट दोनों के अलग हैं बट अल्टीमेटली आपको न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म करने हैं प्यूरिन एंड पिरामिडिन्स एंड देन फर्दर वो न्यूक्लियोटाइड्स की हेल्प से आपके जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक मटेरियल आपका बनेगा, राइट? सो पिरामिडिन के अंदर हम सेम ही पाथवे जो है वो स्टडी करेंगे विच इज़ योर डी नोवो सिंथेसिस ऑफ पिरामिडिन. सो डी नोवो सिंथेसिस जो है वो बहुत ही सिंपल है एज दैट ऑफ प्यूरिन. सो इसके अंदर भी आप अमीनो एसिड से जो है अमोनिया जो है या फिर उनकी हेल्प से ये पूरा प्रोसेस होता है. लाइक एस्पार्टेट इज़ इन्वॉल्व इन दिस साइकिल, ग्लूटामाइन इज़ इन्वॉल्व एंड बायोकार्बोनेट आयन्स आर इन्वॉल्व इन दिस साइकिल, राइट? सो स्टार्ट करते हैं डी नोवो सिंथेसिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट हमारा सिंथेसिस हम जो करते हैं वो हम करेंगे यूएमपी की. वाई यूएमपी? बिकॉज यूएमपी क्या है, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट. अब इस यूरिडिन मोनोफॉस्फेट की हेल्प से आप फर्दर यूडीपी एंड यूटीपी जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं ना. उसके बाद आपका सीटीपी बन जाता है, राइट? सो यूएमपी इज़ ऑल्सो एक्ट एज द प्रकर्सर ऑफ सी एम पी. ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि यू एम पी यानी कि यूरिडिन मोनोफॉस्फेट कैसे सिंथेसाइज होता है. सो फर्स्ट स्टेप इज़ योर सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट. कार्बामोइल फॉस्फेट जो है ये आपका फर्स्ट स्टेप है जिसके अंदर क्या है आपके आप साइड में फिगर भी अटैच है तो वहाँ पर आप देख सकते हैं ईजिली. सो टू एटीपीज इन्वॉल्व हैं इस स्टेप में. फर्स्ट स्टेप है ये, बायकार्बोनेट आयन्स के साथ आपका ग्लूटामाइन अटैच है, राइट? सो ग्लूटामाइन इसके अंदर जो है यूटिलाइज होता है फर्स्ट स्टेप के अंदर और ये ग्लूटामाइन ग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. जब ये ग्लूटामाइन ग्लूटामेट के अंदर कन्वर्ट होता है तो जो दो एटीपी मॉलिक्यूल्स थे जो फर्स्ट रिएक्शन के अंदर ही इन्वॉल्व हैं फर्स्ट स्टेप में ही, वो अपना एक फॉस्फेट जो है ग्रुप जो है वो लीव कर देता है. अब वो फॉस्फेट ग्रुप आपका फर्दर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्बामोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 2 इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बामोइल फॉस्फेट. सो जो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको प्रोडक्ट मिलता है वो है आपका कार्बामोइल फॉस्फेट, राइट?
सो ये है आपका फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल फॉस्फेट. नाउ इसके अंदर देखिए आप लिखा है विद द हाइड्रोलिसिस ऑफ टू एटीपीज बाइकार्बोनेट एंड अमाइड नाइट्रोजन ऑफ ग्लूटामाइन कंबाइन टू फॉर्म कार्बामोइल फॉस्फेट. सी यहाँ पे जो है आपका अमोनिया इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पर अमोनिया इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पर जो है टॉक्सिक रिएक्शन वो शो करता है. ये आपका एक जो एंजाइम इन्वॉल्व है यहाँ पे कार्बामोइल फॉस्फेटेज सिंथेटेज 2, ये आपका साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है. जबकि जो फर्स्ट होता है विच इज़ कार्बामोइल फॉस्फेटेज सिंथेटेज 1, ये वन जो एंजाइम होता है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, राइट. एंड वहाँ पे फिर वो यूरिया साइकिल में इन्वॉल्व रहता है. लेकिन यहाँ पे जो सेकंड वाला है कार्बामोइल फॉस्फेटेज फॉस्फेट सिंथेटेज 2, ये जो है ये आपका इस साइकिल के अंदर इन्वॉल्व है, राइट. यूएमपी की जब मैन्युफैक्चरिंग होती है सो यहाँ पर ये इन्वॉल्व है. ग्लूटामाइन ग्लूटामेट में कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज़ करा और वो फॉस्फेट ग्रुप आपका कार्बामोइल फॉस्फेट के स्ट्रक्चर पे जाके अटैच हो जाएगा और अमोनिया आपका ग्लूटामाइन से आएगा. दिस इज़ योर स्टेप फर्स्ट. आई होप आपको ये समझ आया हो. नाउ स्टेप नंबर सेकेंड इज़ द सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल एस्पार्टेट. अब यहाँ पर इन्वॉल्व है आपका एस्पार्टेट. ये एस्पार्टेट आपका कार्बामोइल फॉस्फेट के साथ जो है रिएक्ट करता है और फॉस्फेट ग्रुप को रिलीज करता है, राइट. अब यहाँ पर रिंग बनना स्टार्ट होगी. यहाँ पर जो एंजाइम इन्वॉल्व है एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोक्सीलेज है, तो ये एंजाइम की हेल्प से कार्बामोइल फॉस्फेटेज और जो आपका एस्पार्टेट है वो दोनों रिएक्ट करते हैं एंड अल्टीमेटली वो फॉर्म करते हैं कार्बामोइल एस्पार्टेट, राइट. तो एस्पार्टेट ग्रुप जो है वो वहाँ पर जाकर अटैच हो जाता है. सो एक रिंग की तरह वो ऑलमोस्ट रिंग की तरह, प्रॉपर रिंग नहीं कहेंगे तो ऑलमोस्ट रिंग की तरह वो फॉर्म कर लेता है, राइट. दिस इज़ योर स्टेप सेकेंड. नाउ कमिंग टू द स्टेप नंबर थर्ड विच इज़ योर रिंग क्लोजर. यहाँ पर आकर आपकी रिंग जो है वो क्लोज हो जाएगी, राइट. तो ये आपका कार्बामोइल एस्पार्टेट है जो कि ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अंदर भी था, राइट. यहाँ पे सिर्फ कुछ भी ऐड नहीं कर रहे हो आप, कुछ भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट वाटर की रिमूवल हो रही है. क्योंकि अगर आप देखो इसमें जो आपका स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर आप देखो तो NH2 अटैच है और OH अटैच है, तो यहाँ से आपका H2 और O निकल जाएगा और ये रिंग जो है वो क्लोज हो जाएगी. सो NH यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ, तो ये रिंग जो है वो प्रॉपर क्लोज हो जाएगी और रिंग क्लोजर इसी वजह से इसका स्टेप नंबर थर्ड का नाम है. एंड फर्दर ये फॉर्म कर लेगा आपका डाईहाइड्रो ऑरोटेट, राइट. सो डाईहाइड्रो ऑरोटेट जो है ये फॉर्म कर लेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डाईहाइड्रोजिनेज, राइट. नाउ स्टेप नंबर फोर्थ इज ऑक्सीडेशन ऑफ दिस डाईहाइड्रो ऑरोटेट. अब यहाँ पर क्या होगा, इस डाईहाइड्रो ऑरोटेट की ऑक्सीडेशन होगी और यहाँ पर डाईहाइड्रो ऑरोटेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम इन्वॉल्व है, राइट. सो जो है इस एंजाइम की हेल्प से ये डाईहाइड्रो ऑरोटेट जो है वो ऑरोटेट के अंदर, नॉर्मल ऑरोटेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. दिस इज़ योर स्टेप नंबर 4. नाउ नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 5. अब इसमें क्या है कि आपका जो राइबोज फॉस्फेट मोइटी है, अब ये राइबोज फॉस्फेट मोइटी कहाँ से आया, इसलिए मैंने आपको बोला था कि जो आप प्यूरिन की बायोसिंथेसिस है वो आप एक बार कर लीजिए, बिकॉज वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये राइबोज 5 फॉस्फेट या PRPP का क्या मतलब है. बिकॉज अगर आपको रिमेम्बर हो तो जो आपका मेन प्रिकर्सर है बायोसिंथेसिस में प्यूरिन की वो है राइबोज 5 फॉस्फेट. वो राइबोज 5 फॉस्फेट फर्दर फर्स्ट स्टेप रिएक्शन के अंदर आपका PRPP फॉर्म करता है. सो वो जो PRPP आपका प्यूरिन बायोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व है, वो PRPP आपका यहाँ पर भी काम आएगा. सो ये PRPP ऑरोटेट के साथ रिएक्ट करता है और अपना फॉस्फेट ग्रुप रिलीज करता है एंड फर्दर जो इस ये ऑरोटेट का स्ट्रक्चर है यहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा, राइट, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑरोटेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज, राइट.
तो अब इस एंजाइम की हेल्प से और पीआरपीपी जो कि प्यूरीन बायोसिंथेसिस से आया है उसकी हेल्प से ऑरोटेट जो है वो आपका ऑरोटोडिन 5 मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, विच इज़ कॉल्ड ओएमपी, राइट। अब ओएमपी आपके पास बन गया है, अब इसकी डीकार्बोक्सिलेशन होगी। डीकार्बोक्सिलेशन मींस डी मींस हट जाना एंड कार्बोक्सिलेशन मींस कार्बोक्सी ग्रुप का। सो कार्बोक्सिल ग्रुप जो अटैच होगा वहाँ से आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, राइट। तो ओएमपी विल बी कन्वर्टेड इनटू योर यूएमपी मींस यूरेटेड एंड मोनोफॉस्फेट। तो अब आपके पास आ गया है आपका यूएमपी, ये स्ट्रक्चर आपका गिवन है। आपके पास यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप भी अटैच है, शुगर ग्रुप भी अटैच है और बेस ग्रुप भी अटैच है, राइट। तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हुआ है, राइट, पिरिमिडिन का न्यूक्लियोटाइड फॉर्म हुआ है। सो अब ओएमपी जो है वो फाइनल आपका यूएमपी में कन्वर्ट हो गया है। सो यूएमपी भी आगे फर्दर कन्वर्ट होगा क्योंकि ये तो सिर्फ सिंगल मॉलिक्यूल है, मोनोफॉस्फेट है, हमें क्या चाहिए, डायफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, राइट। सो ये जो यूएमपी है फर्दर फिर कन्वर्ट हो जाता है आपका यूटीपी में, कैसे, विद द हेल्प ऑफ टू स्टेप काइनेज रिएक्शन, राइट। नाउ इन दिस टू स्टेप काइनेज रिएक्शन 2 ATP मॉलिक्यूल्स आर रिक्वायर्ड। सो इन फर्स्ट स्टेप यूएमपी जो है एटीपी के साथ कंबाइन करके यूडीपी बनाएगा विच इज़ यूरेटिडिन डायफॉस्फेट और एडीपी को रिमूव करेगा। फर्दर जो यूडीपी है वो एटीपी के साथ कंबाइन होकर यूटीपी फॉर्म करेगा, राइट। तो ट्राइफॉस्फेट जो है वो यहाँ पे बन जाता है, जैसा कि आप फिगर के अंदर भी देख सकते हो। यहाँ पे आप देखिए 3 फॉस्फेट ग्रुप अटैच हैं, शुगर अटैच है और आपका बेस अटैच है, नाइट्रोजिनस बेस, पिरिमिडिन बेस जो है वो अटैच है, राइट। सो ये आपका यूटीपी है। नाउ सीटीपी, अब सीटीपी जो है वो किस तरह से बनता है, अब सीटीपी भी यूटीपी की हेल्प से ही बनता है, कैसे, अगर हम इसकी एमिनेशन कर दें, एमिनेशन मींस इसमें अमोनिया ऐड कर दें। अब वो अमोनिया कहाँ से आएगा, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है, एनिमल्स के अंदर जो है आपका ग्लूटामाइन इन्वॉल्व होता है, जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर भी किया था कि ग्लूटामाइन की हेल्प से आपका अमोनिया मिलता है। सो उस ग्लूटामाइन की हेल्प से आपका अमोनिया आएगा। सीटीपी सिंथेसिस इसके अंदर एंजाइम इन्वॉल्व है, इस एंजाइम की हेल्प से और ग्लूटामाइन की हेल्प से आपका जो यूटीपी है वो सीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखें इसका तो यूटीपी में देखिए कुछ भी चेंज नहीं है, फॉस्फेट ग्रुप्स आपके सेम हैं, आपका शुगर सेम है, डिफरेंस कहाँ आया है, सिर्फ बेस के अंदर डिफरेंस आया है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप अगर यूटीपी का स्ट्रक्चर ध्यान से देखें तो NH ग्रुप अटैच है और इधर देखिए आप सिंपल N अटैच है, ऊपर आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच है एंड इधर आपका NH2 ग्रुप अटैच है। सो ये आपका यूरेटिडिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपका साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो गया है, राइट। सो दीज आर द रेफरेंसेस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एंड अच्छे से समझ भी आया हो। अगर आपको डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।